मेवात में हुई घटना की सच्चाई बताने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल को ज्ञापन सौंपा। इस बारे में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष समीर गुप्ता ने बताया कि मोनू मानेसर की जो वीडियो सामने आई है वे पुरानी है। उसी के साथ उन्होंने मांग की है कि बजरंग दल पर जो अटैक हुआ उसकी इंक्वायरी की जाए। ज्ञापन लेने की बात विधायक असीम गोयल ने कहा कि जिन लोगों ने धर्म के नाम पर दंगे भड़काने की साजिश की है उस पर हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की नज़र बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस साजिश के पीछे जितने भी सूत्र धारक हैं वे कोई नहीं बचेगा, उनके खिलाफ जो भी कार्यवाही बनेगी वो की जाएगी। असीम गोयल ने कहा कि वे इस विश्व हिंदू परिषद द्वारा ज्ञापन में कही बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का काम करेंगे। विधायक जी को ज्ञापन देने आए थे, जो मेवात में जो घटना घटी है उसके बारे में हम इनको जो सच्चाई है उसके लिए जो जानकारी हम देने आए थे कि उसमें एक्चुअल सच्चाई क्या है, जिसमें जैसे मोनू मनेसर का नाम आ रहा था, मोनू मनेसर की कोई ऐसी वीडियो सामने जो आई है वो बहुत पुरानी है और उसमें सिर्फ जो नई वीडियो है उसमें सिर्फ उसने तीर्थ यात्रा के लिए आग्रह किया है भी वहाँ पहुँचो, और दूसरा जो हमारे क्षेत्र में उसमें हमारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ऊपर अटैक हुआ है उसके बारे में जिसने जो इसके पीछे जो साजिश है उसकी इंक्वायरी की जाए, जो हमारे जो बलिदान जो हमारे बजरंगियों का हुआ है उसमें उनको 1 करोड़ रुपया और जिनके ऊपर जो जख्मी हुए हैं उनको 20-20 लाख रुपया दिया जाए, और जिन्होंने ये कार्रवाई की है इसके पीछे जो हमें लगता है इसमें विश्व हिंदू परिषद के सभी हमारे साथी समीर गुप्ता जी की अध्यक्षता में खन्ना साहब कत्याल जी और साहब हितेंद्र राणा जी सभी साथी यहाँ आए हैं, और जिस प्रकार से नूह के अंदर मैं तो ये कहूँगा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हुई है, और जिस प्रकार से भाईचारे को तोड़ने के लिए जिन लोगों ने भी ये बिसात बिछाई है, और जिस तरह ये आज का मामला नहीं है, महाभारतकालीन समय से चाहे नलखा मंदिर हो, जीन माता का मंदिर हो, चाहे आपका श्रृंगार मंदिर हो, ये हमारे आस्था के प्रतीक हैं, और कहीं पर आबादी किसी धर्म विशेष की कम होने से या ज़्यादा होने से इन आस्था के प्रतीकों के प्रति, इन आस्था के जो हमारे स्तंभ हैं उनके प्रति हमारी आस्था को कोई कम नहीं कर सकता। अयोध्या भी इसका उदाहरण है और काशी विश्वनाथ जी भी इसका उदाहरण है। तो हम लोग जहाँ भी हिंदू जाता है बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से, बड़े और मैं तो कहूँगा श्रद्धा के साथ ये यात्रा का आयोजन हो रहा था, और जिन लोगों ने भी इसको धर्म के नाम के ऊपर, जाति के नाम के ऊपर भड़काने के लिए साजिश की है, निश्चित रूप से हरियाणा सरकार भी, केंद्र सरकार भी इस पूरे विषय के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विषय को देख रहे हैं, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो भी इस यात्रा, इस साजिश के पीछे जितने भी सूत्रधार हैं कोई नहीं बचेगा।